लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर ताबड़तोड़ रैलियां की है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में के बाद प्रधानमंत्री मोदी की परभनी में दूसरी रैली रही। प्रधानमंत्री मोदी ने परभनी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 का चुनाव केवल सरकार बनाने के लिए नहीं हो रहा है, इस चुनाव का लक्ष्य है कि भारत को विकसित बनाना, भारत को आत्मनिर्भर बनाना। इसीलिए 2024 के चुनाव के मुद्दे सामान्य मुद्दे नहीं है। हर मुद्दा महत्वपूर्ण है, हर कदम महत्वपूर्ण है, हर संकल्प महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि 2014 में जब मैं पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, उस समय चुनाव में क्या बातें होती थी, अखबार किन बातों से छाए रहते थे, टीवी पर किन बातों की चर्चा थी। तब बात आतंकी हमलों के डर की होती थी, आए दिन बम धमाकों की खबरों और हमारे वीर जवानों की शहादत की पीड़ा यही छाई रहता था। 5 साल बाद 2019 में सीमा पार से होने वाले हमलों की चर्चा बंद हो गई और सर्जिकल स्ट्राइक, और ये तो मोदी है घर में घुसकर मारता है कि चर्चा होने। देखिए, आज परभणी के 12 लाख से ज्यादा गरीबों को बिना भेदभाव मुफ्त राशन मिल रहा है ताकि गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे, बच्चे भूखे पेट सो न जाए, मां की आंख से आंसू न बहे। इसलिए मोदी 12 लाख परिवारों को यहीं पर मुफ्त राशन दे रहा है, आने वाले 5 साल भी देता रहेगा। आज परभणी में 17 जन औषधि केंद्रों में बिना भेदभाव सभी को 80% डिस्काउंट, 80% छूट पर दवा मिल रही है। यहां बिना भेदभाव 1.25 लाख से ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया गया है। परभणी में आज 75% से ज्यादा घरों में नल से जल आने लगा है। इतना ही नहीं, एनडीए सरकार ने परभणी के 9 लाख से ज्यादा पशुओं को मुफ्त टीका भी लगाया है। कोई भी सरकार ऐसे तभी काम करती है जब वो गरीबों के प्रति संवेदनशील हो, सबकी चिंता करती हो। मैंने गरीबी की जिंदगी को जी है। मैं भी आप ही की तरह पिछड़े परिवार में से आ रहा हूं, इसलिए गरीब का दुख भली भांति समझता हूं।